नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, रात के रक्षक डोगा की इस धमाकेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है भाई कमाल है। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। इंसान ही नहीं, कभी कभी जानवर भी पागल हो जाते हैं। ये पूरे बाजार को तहस नहस कर देगा। पागल सांड से मुकाबला कौन करेगा? धार ब्रोंक। डोगा और उसकी गन, तर 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 तर, चम चम ब्रोंक। तो अब जो इंस्पेक्टर सूर्य के नेतृत्व में पुलिस आई है, वो क्या करेगी? बूम 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 बूम, पुलिस पकड़ेगी डोगा को, क्योंकि डोगा भी पागल सांड की तरह निरंकुश एक जानवर ही है। तो अब डोगा क्या करेगा? धाए 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 धाए। डोगा पुलिस के नाक के नीचे से ठीक वैसे ही निकल जाएगा जैसे अपराधी उसे लॉलीपॉप थमाकर निकल जाते हैं। डोगा ये बात जानता है कि पुलिस वालों के निशाने बड़े ही खराब होते हैं। डोगा तो हाथ से निकल गया, तो अब पुलिस क्या करेगी? भविष्य में डोगा को पकड़ने की एक और कोशिश। तो फिर तब डोगा क्या करेगा? पुलिस को छकाने की एक और कोशिश। पुलिस की कुछ मर्यादाएं हैं। कानून हाथ में होते हुए भी पुलिस को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सर, स्थिति बड़ी विस्फोटक है, क्या उसको गोली मार दूं? अगर तुम वहां अकेले हो या एक दो हवलदार के साथ होते तो मैं तुम्हें गोली मारने की इजाजत दे देता इंस्पेक्टर भटूरे। मगर तुम लोग कम से कम 35 हो। अगर 35 पुलिस वालों को यह सोचकर मैं एक ऐसे तगड़े मुजरिम को गोली मारने का आदेश दे दूंगा कि उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए इससे बढ़कर डूब मरने की कोई बात हो ही नहीं सकती। क्या हमारे हट्टे कट्टे 35 पुलिस वाले एक मुजरिम को भी पकड़ने में सक्षम नहीं है? साई, कोई आगे आया तो चीर फाड़ डालूंगा। इसकी बीबी एक नाई के साथ भाग गई थी। इस बात से खफा होकर इसने अपने बीबी और नाई दोनों को काट डाला और अभी भी इसका जुनून उतरा नहीं है, खून सवार है इस पर। वो आते जाते लोगों पर हमला कर रहा है। खना, हमला चीता पर हुआ था। धार हम्फ, चीता जो कभी कानून के दुनिया का चीता था। धार, आज उसके पास कानून की ताकत नहीं है, मगर चीता वो आज भी है। थर आ, दरिंदगी के जंगल में चीतों की कमी नहीं, और दो चीतों की लड़ाई में वार किसी का भी भारी पड़ सकता है। मगर अपराध के चीतों पर एक ही शख्स भारी पड़ता है। उस सांड पर जुनून सवार था, इस पर खून सवार है। चुम चुम चुम, डोगा उसका जुनून तो शांत कर दिया, इसके खून का उबाल भी शांत कर दूं। स्थिति अब भी वही थी, 35 पुलिस वाले और एक अकेला 100 के बराबर। उसने आंसू गैस का गोला फोड़ दिया। ये तो हमारे पास होना चाहिए था, उस कुल्हाड़ी वाले पर हमें फोड़ना चाहिए था। एक मुजरिम के पीछे 35 पुलिस वाले, इस हिसाब से तो मोपोसे कर्मियों की यहां जबरदस्त कमी है। चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। हो रूप है तेरा सोना सोना, सोनी तेरी पायल, छम छमा छम ऐसे कर दे सबको घायल। हे कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना सावा सावा, ओ सावा सावा। मोनिका उसे देख चुकी थी। सूरज, मोनिका,
जो सूरज की थी। सूरज सूरज रुको, सोना सोना माहिया वे, सूरज सूरज मैं आ रही हूं, तुमने मुझे देखा क्यों नहीं? मैंने तुम्हें इशारा किया, तुम नहीं रुके। बारिश तेज है ना, तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी, आंखों पर पानी पड़ रहा था, आंखें भी ठीक से नहीं खुल रही थी, तुम दिखाई नहीं दी। नहीं तो मैं तुम्हें पैदल चलकर इतनी दूर आने की जरूरत नहीं पड़ती, बाइक को मैं तुम्हारे पास ही रोकता। हाँ, मेरे सिर पर छतरी भी तो थी। वो सब तो ठीक है, अब बोलो काम क्या है। लो, मैं भी कितना बेवकूफ हूं, बारिश में खड़ी एक खूबसूरत लड़की से पूछ रहा हूं ये काम क्या है। लिफ्ट चाहिए ना? ठीक है, बैठो पीछे, मगर पहले छतरी बंद कर लेना, वरना हवा के दबाव से छतरी गोल हो जाएगी या फट जाएगी। पर छतरी बंद करोगी तो भींग जाओगी, वैसे आधी तो भींग चुकी हो। अब बताओ तुमको मैं कहां पर छोड़ दूं? सूरज, ये क्या बकवास है, बहुत देर से किए जा रहे हो, ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे पहली बार देखा हो। देखा हुई क्या, ये क्या कर रहे हो, बाइक स्लिप हो जाएगी, चैंपियन हूं, ऐसे कैसे स्लिप हो जाएगी? तुमने बताया नहीं मैं तुमको कहां पर छोड़ दूं? शॉपिंग मॉल्स के सामने। वो तो सामने ही है, बाइक को पार्क करो। क्यों? और सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लर है और किसी ने इस तरह मिसप्रिंट हो गया है लगता है, तो मैं इसको अपने शब्दों में कह देता हूँ। ओके, फिर मोनिका ने सूरज को जबरदस्ती शॉपिंग मॉल्स में चलने के लिए विवश कर दिया, यानी उसको मना लिया, कुछ दिखाना है। अरे, इतने ज्यादा लिफ्ट थोड़ी ही दी है, दरअसल सूरज मैं तुम्हारे ही पास आ रही थी कि रास्ते में बारिश आ गई। मेरे पास किस लिए? तो थोड़ी सी लिफ्ट क्या क्यों दे दी? अब तो तुम गले पड़ रही हो, तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगी। मानती हूं कि डोगा का दायित्व निभाते निभाते तुम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को अधिक समय नहीं दे पाते हो, इसलिए तो मुझे जब भी अवसर मिलता है तुम्हारे साथ के पलों को मैं चुराने की कोशिश करती हूँ। ढोगा का दायित्व? तो मुझे यहां से जाने देने का क्या लोगी? केवल कुछ क्षण। सूरज, मजाक बहुत हो गया, तुम बहुत देर से मुझे परेशान कर रहे हो, अब खामोशी से मेरे साथ शॉपिंग करो। भाई कमाल है, तुम तो मुझसे ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मेरा तुम्हारी सदियों से जान पहचान है। मैंने तो तुम्हें शरीफ लड़के समझकर लिफ्ट दी थी। सूरज, और ये सूरज सूरज क्या लगा रखा है? आ, मेरा नाम सूरज नहीं सिद्धार्थ है, यदि तुम सूरज नहीं सिद्धार्थ हो तो फिर मेरे साथ यहां तक क्यों चले आए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लड़के तो लड़कियों को पटाने के चक्कर में लगे ही रहते हैं, मैं तो समझ रहा था कि तुम खुद पट रही हो, मगर अब समझ में आ गया कि तुम पट नहीं रही थी, तुम तो पड़ रही थी मेरे गले। चंगा बाऊजी, अप्पा तो चल दे हैं गया, तेरे जे होंजी कूड़ू ना कूड़ी नू सिद्धार्थ घास नहीं पांदा। ये क्या बकवास है सूरज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट टू में, तो मिलते हैं इसके पार्ट टू में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जहां इसकी जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और दोस्तों, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबरशिप को लेकर के, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करें और हमारे चैनल का मेंबरशिप आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।